अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि इम्प्लांटेशन के समय पर होने वाला ब्लीडिंग, जब एक महिला का एक उनके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइज्ड होता है, उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो उनके फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होकर उनके यूटरस या फिर बच्चेदानी के वॉल में चिपकता है और चिपकने के समय वो यूटरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थोड़ा खुरदता है। सो इस खुरदने की वजह से या फिर इम्प्लांटेशन होने की वजह से थोड़ा बहुत जो ब्लीडिंग होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन माना जाता है। हालांकि लगभग 50% महिलाओं को ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग फील नहीं होता है या फिर वो उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 25 से लेकर 30% महिला इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होता है, वो कितने दिनों तक होता है और आप उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। पहले हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली कब होता है। जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके ओवुलेशन के 6 से लेकर 10 दिन के बाद होता है, यानी कि लगभग आपके जो पीरियड आने वाला होता है उसी टाइम पर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, और कंसेप्शन के लगभग 8 से 9 दिन के बाद आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि शुरुआती प्रेगनेंसी में एक महिला को लगभग 8 वीक यानी कि 2 महीने तक किसी न किसी टाइम पर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में नॉर्मल ही होता है। चलिए हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने टाइम तक रहता है। सो पहला बात यह है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली ब्लीडिंग नहीं होता है, ये स्पॉटिंग टाइप का होता है। सो आपको दिन में 1 घंटे के लिए हो सकता है या फिर 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग होता है, और कभी कभी 1-2 घंटे के लिए होकर रुक जाता है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 3 दिनों तक हो सकता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के टाइम आपको कोई भी पैड की जरूरत नहीं पड़ता है। जब आप वॉशरूम जाएंगे या फिर जब आप यूरिनेट करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप को आपके यूरिन के साथ जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने आपके प्राइवेट पार्ट को वाइप आउट करते हैं तो वाइप आउट करने के समय थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग आपको देखने को मिल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान आपको पैड लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है। आखिर में हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड के ब्लीडिंग में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होता है वो जनरली पिंक कलर का हो सकता है या फिर डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है, वो बहुत ही हल्की हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत डार्क हो सकता है। अगर पहले ही आपका इम्प्लांटेशन हो गया है और वो ब्लड रह गया है, निकल नहीं पाया और बाद में ऑक्सीडाइज होकर निकलता है तो वो डार्क ब्राउन दिख सकता है। अगर इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही आपको ब्लीडिंग नजर आता है तो वो पिंक हो सकता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के कई दिनों के बाद अगर थोड़ा बहुत डार्क ब्राउन कलर का ब्लीडिंग नजर आ रहा है तो भी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। जनरली पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। सो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है प्रेगनेंसी का, जो कि पीरियड मिस होने से पहले आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी पहले प्लानिंग कर रहे हैं तो छोटे से छोटे जो लक्षण होते हैं जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, इसको भी आपको ट्रैक करना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो और भी सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको बार बार पेशाब आ सकते हैं, आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत टेंडरनेस हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकता है, आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस हो सकता है, सो आपको नींद भी बहुत ज्यादा आ सकता है या फिर आपका नींद बिल्कुल गायब भी हो सकता है, सो आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, आपको बैक पेन भी हो सकता है, आपका जो व्हाइट डिस्चार्ज का जो अमाउंट वो भी ज्यादा हो सकता है। अगर आपको इन सब लक्षणों में से 3-4 लक्षण भी दिख रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है कि आप इस महीने आपने कंसीव कर लिए हैं, लेकिन आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपको पीरियड मिस होने का इंतजार करना चाहिए, और पीरियड मिस होने के 3-4 दिन बाद या फिर 5-6 दिन के बाद आपको तुरंत ही एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए। अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट या फिर 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो पक्का आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सो और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर अभी तक आपने अनुराधा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए।